नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम योग दर्शन में। दर्शकों, योग ये प्राचीन भारत की जो सौगात है, जो अनुपम सौगात है, वो पूरा विश्व अपना रहा है। योग पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो चुका है। योग क्या है? योग एक शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि योग आत्मा, मन और शरीर का एक अनूठा संगम है, जिसे पूरा विश्व अपना रहा है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है साथियों कि हम अच्छी तरह से समझें कि योग क्या है, और इसी कोशिश में आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आर्ट ऑफ लिविंग के श्री गिरीश आहूजा जी। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरा जो संसार है, जो पूरा विश्व है, वो योग को बहुत अच्छे तरीके से अपना रहा है। और 21 जून को तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो विश्व योग दिवस घोषित कर दिया है। तो ऐसे में योग क्या है, ये सबसे पहले समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? योग यानी शब्द से ही आपको परिलक्षित होता है कि योग यानी जोड़ना। किसको जोड़ना? शरीर को, मन को, सांसों को, तीनों को जोड़ना। इसी का बैलेंस योग कहलाता है। और योग जो है प्राचीन विद्या है, तो सबको पता है। लेकिन आज जो इसमें भ्रांतियाँ आ गई है, जो परिवर्तन आ गया है, वो योग के स्वरूप को विकृत कर रहा है। तो हमारा प्रयास यही है कि अब योग के स्वरूप को प्राचीन तरीके से ही उसको प्रोसीव करना। कि प्राचीन पद्धति थी, जब आज से 5000 साल पहले योग की आवश्यकता थी, तो आज उससे ज़्यादा आवश्यकता है। आज तो फिजिकल वर्क लोगों का ख़त्म हो चुका है, कोई फिजिकल वर्क करता नहीं। उस समय तो लोग दूर दूर तक जाते थे अपना काम करने के लिए। अगर किसी को संडास भी जाना होता तो 5 किलोमीटर चल के जाता था। तो इतना फिजिकल वर्क करने के बाद भी जब योग की आवश्यकता ऋषि मुनियों को महसूस हुई, तो आज की महती इस तनाव भरी जिंदगी में तो उसकी ज़्यादा महत्ता है। लेकिन लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। योग को लोगों ने भ्रांतियाँ ऐसी फैला दी है कि योग को उन्होंने एक्सरसाइज बना दिया। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके अंदर सूर्य नाड़ी तेज होगी। सूर्य नाड़ी तेज होने से क्या होगा? आपके अंदर एसिड ज़्यादा बनेगा। एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो आपके अंदर गैस बनेगा, और फिर आप तनाव में आ जाएंगे, फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो हम योग जो करते हैं, काय के लिए करते हैं? अपने को रिलैक्स करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए। तो इसीलिए हम जो अब योग सिखाते हैं वो अलग तरह का योग है। जो प्राचीन योग था उसको, इसमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों का बैलेंस बना रहे, ऐसा योग हम लोगों को सिखाते हैं। गिरीश जी, जो प्राचीन तरीके का योग जिसकी आप बात कर रहे हैं और जो आधुनिक तरीके का योग है, तो इन दोनों में हमको अंतर समझाइए कि वो अंतर क्या होता है। प्राचीन तरीके का योग जो था वो प्रॉपर योग था, ऋषि मुनियों ने डिजाइन किया था, उस समय की महती आवश्यकता थी, और आज उसकी आवश्यकता उससे 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन हम आधुनिकता में इतना फंस गए हैं कि हम हर चीज़ दिखावटी भी जाते हैं। आधुनिक योग जो है ये एक्सरसाइज बन गया। एक्सरसाइज मतलब क्या है? इन्होंने बना दिया है योग को कि जल्दी से वेट लॉस कर लो, जल्दी से बॉडी बिल्डिंग कर लो, हर चीज़ फटाफट कर लो उसको। आप फटाफट कोई भी काम करेंगे तो ये होता क्या होता है, आपकी सांसें तेज चलेगी। सांसें तेज चलेगी मतलब सूर्य नाड़ी तेज होगी आपकी। सूर्य नाड़ी तेज होगी आपके अंदर, वही होगा एसिड बनेगा ज़्यादा। एसिड बनेगा तो आपके अंदर गैस बनेगा, फिर वो तनाव क्रिएट करेगा आपके अंदर। तो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उस मुकाम पर आप पहुँच नहीं पाते और गलत रिवर्स में आ जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है, कह सकते हैं हम कि खरगोश जो है तेज चलता है, और तेज चलता है लेकिन उसकी लाइफ कितनी है आप देखें, 1 साल या 1.5 साल, उससे ज़्यादा नहीं है। और कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है, उसकी लाइफ कितनी है? 300 साल। वो 1 मिनट में 5 सांसें लेता है, और मनुष्य 1 मिनट में 15 सांसें लेता है। तो उसके हिसाब से हमारी जो है लाइफ 100 साल की है, और उसको हम जो फास्ट ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, तो हमारी लाइफ क्या हो रही है? और घट जा रही है, छोटी होती जा रही है, यही चीज़ हो रही है। जी, तो मतलब आपका बोलने का मतलब है कि जो प्राचीन जो हमारी परंपरा है, वही हमारी सेहत के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो हम आधुनिक जीवन शैली है, उसमें अगर हम प्राचीन भारत की जो योग है उसको अपनाएं, तो काफ़ी हद तक हमको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल सही कहना है आपका। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ा हूँ और वशिष्ठ योग से भी जुड़ा हूँ। वशिष्ठ योग का ये प्रयास चल रहा है कि सही तरीके से प्राचीन विद्या कैसे डेवलप की जाए, उसमें जो योग में भ्रांतियाँ हैं उसको कैसे दूर किया जाए।
जी, तो मतलब गिरीश जी, ये बहुत जरूरी है कि अगर हम योग कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से किया जाए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। गिरीश जी, जैसा कि हम सुनते हैं कि योग के द्वारा हम कई तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, कई तरह की परेशानियों को ठीक कर सकते हैं, जो मानसिक तनाव है वो भी दूर हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इस बारे में थोड़ी सी शंका होती है, तो ये कहाँ तक समझ है कि मतलब ये कहाँ तक सही है कि जो शंकाएं हैं वो कहाँ तक सही है? योग में जो गहरी समझ है वो आपके अंदर जो ठहराव लाता है वो मेन चीज है। तो ये ठहराव होना जरूरी है। मन जब अमन की स्थिति में आ जाए तो आपके अंदर से आपके जो विचार आपके जो आते हैं और जो आप जो एक्टिविटीज करते हैं उस पर लगाम लग जाती है, रोक लग जाती है, तो जो एनर्जी फिर उसमें आपकी बसती है उस एनर्जी से आपकी प्रगति होने शुरू होती है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सब प्रगति होने लगती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक दिन में आदमी के अंदर 70,000 थॉट्स आते हैं और 70,000 थॉट में से खाली 7,000 थॉट्स हमारे काम के हैं, बाकी सब बेकार है। तो वो क्या करते हैं आपका, आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं पूरा। तो वो एनर्जी रुक जाए तो उसी के लिए योग ने टूल्स दिया है। उसमें आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, धारणा हो गया, ये चार योग के टूल्स हैं। इस टूल्स के द्वारा आप अपने मन को जो है अमन की स्थिति में ला सकते हैं और अपने अंदर ठहराव ला सकते हैं। उस समय क्या होगा, जब आपका मन नहीं रहता तो आपके विचार ठहर जाते हैं, विचार ठहर जाएंगे तो आपकी ऊर्जा सेव हो जाएगी और वही ऊर्जा जब सेव होती है तो आपके अंदर एनर्जी लाती है और फिर आपका शारीरिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, सारा मानसिक विकास होता है, सब प्रॉपर रूप में होता है। तो ये योग का मतलब है। जी, तो मतलब योग जैसा कि आपने बोला कि खाली एक शारीरिक व्यायाम ना समझा जाए, बल्कि जो मानसिक इससे विकास होता है, जो हमारी आत्मा का विकास होता है, वो भी योग के द्वारा ही संभव है। और पतंजलि जो योग के पितामह माने जाते हैं, और योग तो जैसा कि हम अपने दर्शकों से लगातार बोलते आ रहे हैं कि वो प्राचीन भारत की एक बहुत ही अनुपम सौगात है, जो कि मेरे ख्याल से 5,000 साल पहले योग का जन्म हुआ था। तो ऐसे में गिरीश जी, आधुनिक जीवन में योग हम कैसे अपनाएं, क्या सही वक्त है और क्या सही तरीका है अपने जीवन में योग को अपनाने का? योग तो सबके लिए आवश्यक है। भागती हुई जिंदगी में जिनके पास समय कम है तो हम उनको 10 आसन ही बता देते हैं कि ये 10 आसन ही आप करें तो हो जाएगा, 5 आसन करें तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसको करना परफेक्ट है आपको। परफेक्ट जैसे हम सिखाते हैं उनको अलाइनमेंट के साथ प्रॉपर स्ट्रेचिंग उसमें करना है, वो 5 आसन भी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एनर्जी आपकी दिन भर अपलिफ्ट रहेगी। आप सुबेरे से जैसे रात तक जाएंगे तो थकावट नहीं लगेगी आपके अंदर। तो ये योग का काम है, ये एनर्जी को सेव करना आपके अंदर। जिनके पास समय कम है उनके लिए भी आसन है, जिसके पास समय ज़्यादा है उनके लिए भी सीरीज है हमारे पास, जिसके पास और ज़्यादा समय है उसके लिए भी सीरीज है। जिस लेवल तक जिसको जाना चाहे वहाँ तक जा सकता है। इसी से समाधि मिलती है, इसी से सब कुछ मिलता है। यानी योग जो चीज़ है वो प्राइमरी चीज़ है। गिरीश जी, अक्सर लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि भाई जो योग है वो बहुत ही मुश्किल चीज़ है और इसे हर उम्र के लोग नहीं कर सकते, ये तो भाई नीचे बैठ के होता है, जिनका वजन कम है या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके बस की बात नहीं है ये करना। तो ये कहाँ तक सच है जो लोगों का सोचना? योग जो है हर उम्र का आदमी कर सकता है, वो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे 10 साल से ऊपर 11 साल के बच्चे हों, सब कर सकते हैं। और उनको उसी तरीके से पेश करने का आपके पास फार्मूला होना चाहिए। आपके पास फार्मूला नहीं है इसलिए आप उससे डर जाते हो, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। जिस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कैसे दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे? तो वो फार्मूला ये है कि आप किस उम्र का आदमी है उसको उस तरीके से मॉडिफाई करके हम योग देते हैं कि वो उस तरीके से कर पाए। लोगों को इंटरेस्ट क्यों नहीं आता योग में, क्योंकि हम उसको कठिन बना के देते हैं। आप उसकी बॉडी को समझिए, उसके विचार को समझिए, उसकी मन स्थिति को समझिए, उसके बाद मॉडिफाई करके उसको दीजिए। मॉडिफाई करने से क्या होगा, उसको करने में ईजी होगा, ईजी होगा तो कर पाएगा, उसको मज़ा आएगा। भाई जो चीज़ आदमी कर सकता है तभी तो मज़ा आता है, जो कर ही नहीं पाएगा उसको मज़ा कहाँ से आएगा? आप कठिन चीज़ सिखाने जाएंगे उसको सीख नहीं पाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो किस उम्र का आदमी है, कैसा उसकी स्थिति है, क्या उसका शरीर का स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करके बताते हैं और उस हिसाब से उसको इफेक्ट पूरा 100% वही मिलेगा जो एक युवा को मिलता है। ऐसा नहीं कि उसको कम मिलेगा, सेम इफेक्ट मिलेगा आपको, लेकिन करने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, टीचिंग प्रॉपर होनी चाहिए। गलत टीचिंग की वजह से ये सब भ्रांतियाँ फैल गई है समाज में कि योग जो है वो कठिन है, योग जो है गलत है, योग जो है जल्दी से स्वीकार नहीं है लोगों को, योग बोरिंग है। इसीलिए कई योग गुरुओं ने ये कर दिया है, उसमें जुम्बा ले आया, कोई सालसा ले आया, डांस को उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया कि लोगों का मन लगा रहे। योग मन लगाने की चीज़ नहीं है, ये कोई वो क्या बोलते हैं मजाक की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सही चीज़ है कि आपको सही डायरेक्शन, अगर आपका स्वास्थ्य
सही रहेगा, तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो जीवन का मजा कहाँ है। मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है, और तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। गिरी जी, जो आपने बोला कि मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है, और जो योग के साथ जो अनेक तरह की भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं वो किसी हद तक सही नहीं है। योग को हर उम्र के लोग कर सकते हैं, हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पैसा तो खर्च होना नहीं है। हम निशुल्क इसीलिए सिखाते हैं लोगों को, पैसे से हमारा वो कोई नहीं है। निशुल्क इसलिए सिखाते हैं कि लोगों को इसके प्रति जागृति आए। पैसा देके कई लोग नहीं कर पाते, किसी की परिस्थिति नहीं होती, और कई लोग करना भी नहीं चाहते पैसा देके, तो निशुल्क सिखाया जाता है। और ये विद्या होनी भी निशुल्क चाहिए। पतंजलि का सूत्र है, सतो दीर्घ काला नैरंतरम सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। इसका मतलब यही है कि सतत और दीर्घ काल, मतलब रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसकी निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे। सत्कार सेवितो, सत्कार मतलब सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक और सही समझ के साथ अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो दृढ़ भूमि, यानी आपको आपको रिजल्ट आना ही आना है, और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये पक्की बात है। जी, तो गिरीश जी, ये पॉजिटिव रिजल्ट जो है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो साथी देख रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में कैसे लाएं, इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा योग को अपने जीवन में अपनाएं? योग ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए इसलिए हमने क्या रखा है कि भागती भुगती जिंदगी में आदमी का समय कम है, तो पांच ही आसन करे, पांच ही आसन में उसका काम हो जाएगा, तो पांच आसन से ही वो जागृत हो जाएगा, और धीरे धीरे फिर वो अपना समय खुद बढ़ा लेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आने लगेगा, करेगा जब जब उसके अंदर एनर्जी फील होगी, जब उसका स्वास्थ्य सुधर जाएगा, जबकि मनस्थिति सुधर जाएगी, जब उसके पारिवारिक रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, जब आस पड़ोस के साथ वो हंस बेल के बात करेगा, उसका सामंजस्य लोगों से बढ़ जाएगा, तालमेल बढ़ जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, हर चीज़ इसमें है, तो हर चीज़ होने के बाद तो उसको मज़ा आने लगेगा, और जिसमें मज़ा आएगा तो उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता। बस करना इसको निरंतर है, ये ध्यान रखना है इसमें बस। तो पांच ही आसन और दो तीन प्राणायाम वो कर ले, मुश्किल से 10-15 मिनट का काम है। 10-15 मिनट तो आदमी अपने जीवन के लिए और अपने लिए तो निकाल ही सकता है, और इतना निकालने से उसका काम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और धीरे धीरे उसकी योग में रुचि बढ़ेगी, फिर वो आगे और गहराई में जा सकता है, तो फिर ध्यान समाधि सब उसमें लगने लगेगी, उसको पता। मतलब खाली 10-15 मिनट का अपना वक्त देके और एक इंसान अपनी जो आत्मिक ज्ञान है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है और जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको काफी हद तक बढ़ा सकता है। तो गिरीश जी, आपने जो योग के बारे में हमको इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे दर्शकों को बताया कि योग कितना महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में, और जो ये प्राचीन भारत की जो देन है, वो जो योग हमको मिला है एक अनमोल उपहार के रूप में, इसको पूरा विश्व तो अपना ही रहा है, तो क्यों ना हम सब भी अपनी ज़िंदगी में ढालें और योग अपना कर अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं, खुशहाल बनाएं। तो दर्शकों, उम्मीद है कि हमारा ये आज का योग दर्शन का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ कैमरामैन पुनीत सोनकर और मोनिका शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।